अस्सलाम वालेकुम, पी के बसेस से मैं हूँ बिलाल। हमसे काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछा जाता था कि जो ड्राइवर हजरात जो दूसरे मुल्कों में जैसे सऊदीया हो गया या दूसरे किसी भी बाहर के कंट्री में बस चला रहे हैं, तो वो हमसे सवाल पूछते थे कि अगर हम पाकिस्तान में आके बस ड्राइविंग करना चाहें तो हमारे पास वहाँ का तो लाइसेंस है, तो यहाँ पे आके हमारा क्या प्रोसेस होगा? क्या हमें उसी लाइसेंस पे ड्राइविंग की इजाज़त मिल जाएगी या हमें दोबारा से लाइसेंस बनवाना पड़ेगा? तो उसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं अबरार भाई। तो अबरार भाई से पूछते हैं कि सर बताएं कि ऐसे जो हैं जो बाहर ड्राइव कर रहे हैं वो पाकिस्तान में आके उनका क्या प्रोसेस होगा, कौन सा लाइसेंस उनका होना चाहिए और यहाँ पे लाइसेंस कैसे लिया जाता है? अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको पूरा गाइड करता हूँ इस मामले में कि जो ड्राइवर वहाँ पर HTV PSV गाड़ी चला रहे हैं, मतलब कि ट्राला HTV होता है और PSV पब्लिक सर्विस होता है। HTV PSV यानी कि बड़ी गाड़ी और पैसेंजर्स वाली गाड़ी, क्योंकि HTV में बड़ा फ़र्क है। समटाइम ये होता है कि हमारे कुछ दोस्त हैं वो यही कहते हैं HTV लाइसेंस है जी मेरे को, HTV लाइसेंस पे भाई आप पैसेंजर वाली गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते। पैसेंजर वाली गाड़ी इसलिए आपको नहीं दी जाती ताकि आप लोगों की जानों के साथ जो है ना वो कोई मसला मसाइल हो तो वो आप ना कर सको। अगर आप ना तजर्बेकार हो या आपने पैसेंजर वाली गाड़ी पहले नहीं चलाई हुई तो पहले आप जो जाने हैं वो लेके ना जाएं, ठीक है। ट्रक के ऊपर HTV आपको लाइसेंस दिया जाता है, वो होता है डेड लोड के लिए, मतलब सामान के लिए, माल बरदार चीज़ें, ताकि अगर कोई मसला बन भी जाए तो माली नुकसान हो, जानी नुकसान ना हो। सो पहली बात तो ये है कि HTV PSV लाजमी है पब्लिक सर्विस के लिए, पैसेंजर्स के लिए। अगर आपके पास बाहर का HTV PSV लाइसेंस है तो पाकिस्तान में वो भी अलाउ नहीं करेंगे आपको। पाकिस्तान में जो बंदे पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं वो ऑलरेडी ड्राइविंग लाइसेंस लेके गए हुए हैं, लेकिन अगर उनके पास नहीं है तो पाकिस्तान जब भी आएँ आगे मोटरवे पुलिस ने एक उनके लिए खसूसी पैकेज निकाला हुआ है कि अपना वहाँ का लाइसेंस वायलेट जो है वो जमा करवाएँ। जमा करवाने के बाद अगर पाकिस्तान में उनका पहला लाइसेंस बना हुआ जो उन्होंने काफ़ी देर से दोबारा रीन्यू नहीं करवाया हुआ वो जमा करवाएँ, और मोटरवे पुलिस आपको दोबारा से कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग देगी और आपको नेशनल हाईवे का NHA का लाइसेंस जो है ना वो मिल जाएगा। और NHA का लाइसेंस इस वक्त यही है जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लाइसेंस आपको मिल जाता ना होता, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है। नेशनल हाईवे मोटरवे पुलिस का आपको ड्राइविंग लाइसेंस HTV PSV मिल जाएगा, फिर आप बस चला सकते हो। फिर उसके अलावा उसके बाद अगर मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है, अगर आप समझते हैं कि नहीं अभी मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं गाड़ी लेके इस माहौल में पाकिस्तान के माहौल में गाड़ी चलाऊँ, तो फिर कोई 2-3 कंपनियाँ हमारी प्राइवेट वो ट्रेनिंग करवा रही हैं, जैसे डेवो या फैसल मूवर है, तो ये ट्रेनिंग करवा रही हैं, वहाँ पर आप ट्रेनिंग कर सकते हैं और फिर इंशाल्लाह आपको वहीं पर जॉब भी मिल जाएगी। ये आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा।